वैसे ही आप कह सकते हो थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए, वैसे ही आप थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए बिल्कुल सिमिलर कहानी कह सकते हो। क्या कह दोगे? प्रोपोर्शनल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी का अंडर रूट। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में निकलो। थर्मल डिफ्यूजिविटी टेल्स अबाउट द रेट एट विच हीट डिफ्यूजन occurs through the fluid layer. More the value of alpha, faster the more the value of alpha, faster the heat diffusion rate. That is thermal influence can be felt FELT at farther away into the free stream. तो अब ये बात समझो एक यहां पे, ये तो बात हो गई यार, उन दोनों का आपको रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि क्या ये बढ़ने का क्या मतलब है, घटने का क्या मतलब है, ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां पे एच एक्स सी एफ एक्स डेल्टा टी डेल्टा सी एफ एक्स कैसा आया था यार, सी बाई अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स, डेल्टा सी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर ई बेसिकली सी एफ एक्स ना यार, अगर आप यहां से देखो रो वी एक्स बाई म्यू, रो वी एक्स बाई म्यू, बाकी सब कांस्टेंट है, मान लो एक्स का केवल फंक्शन है, तो ये क्या आ रहा है, आर ई एक्स कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, यहां से देख लो, तो बेसिकली किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू के, है ना, और ये किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, एक्स की पावर वन बाई टू के। ठीक है, यही सेम फंडा ना यहां पे लगेगा, ये भी प्रोपोर्शनल होगा एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू से, बिकॉज मैंने बोला था आपको सिमिलैरिटी लेना है इसके उसके बीच, क्या बताया था, इसका सिमिलैरिटी है इसके साथ, इसका सिमिलैरिटी है इसके साथ, प्रोपोर्शनल होगा एक्स की पावर वन बाई टू के। जैसे आप ना यार इसको ना डिराइव कर सकते हो, फिर इसको भी ना आप डिराइव कर सकते हो, कैसे याद करो, अभी एक चीज आपको दिखाया था मैंने,
ये ठीक था यार। अब मुझे ना यार टेम्परेचर प्रोफाइल ना यार पता है, मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल ना पता है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डी टी वाई डी वाई को मैं निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी और पुट कर दूंगा वहां पे वाई इजल टू जीरो यहाँ पे, है ना। और एच एक्स को मैं यहां से निकाल लूंगा, तो एच एक्स निकालोगे ना यहां से तो वो आएगा आपका 3k/2 डेल्टा टी। और डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल है, x^1/2 के। बेसिकली ये एच एक्स प्रोपोर्शनल हो गया x^-1/2 के। हाँ मैंने आपको बताया था ब्लासियस हम यूज करेंगे ना, हर जगह हम ब्लासियस इक्वेशंस यूज करेंगे, तो मैं आपको ना इसका एग्जैक्ट फॉर्म दे देता हूँ कि क्या था। सी के वैल्यू यहाँ पे ना यार 5 ले लेना, 5 लेना, तो इसको ब्लासियस फॉर्म हम कहते हैं, ब्लासियस, ठीक है। ब्लासियस इक्वेशंस यही सब जहाँ पे क्यूबिक प्रोफाइल हम फॉलो करते हैं, सी का वैल्यू 5 आता है, 4.64 आता है, ऑलमोस्ट 5 ले लेते हैं वहाँ पे। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये लिख लो कम से कम एच एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन बाई एल, ये होता है आपका ओवरऑल। अगर आपको एक फ्लैट प्लेट है इसमें आपको चाहिए एक एच का वैल्यू ऐसा कि कॉन्स्टेंट, बिकॉज एच तो वेरी कर रहा है ना रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन आपको एक कर कोई कॉन्स्टेंट चाहिए, कोई एवरेज एच का वैल्यू चाहिए, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ से निकालोगे ना तो बेसिकली क्या आता है वैल्यू, ये आता है 2 times ऑफ एच एट एक्स इजिकल टू एल, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये क्या नाम है सी एफ एक्स के बारे में सी निकालना चाहो ना, सी एवरेज, सी पूरा प्लेट के लिए, तो वो टाइम वो आता है, उसको सी डी भी कह सकते हो आप, ड्रैग फ्रिक्शन कोफिशियंट, ड्रैग फ्रिक्शन कोफिशियंट इसको कहते हैं, सी डी भी कह सकते हो। ये होता है 2 times ऑफ सी एट एक्स इजिकल टू एल, एट एक्स इजिकल टू एल पे निकाल लो 2 times ऑफ उसके, ठीक है। बात यही बात ट्रू है ना नसल्ट नंबर के लिए भी, नसल्ट नंबर के लिए भी यही बात ट्रू है। अगर आपको एक एवरेज नसल्ट नंबर चाहिए, देखो तो नसल्ट नंबर किस पर डिपेंड करता है, एच एक्स एच एल बाई के होता है ना, एच एक्स बाई के एक पर्टिकुलर एक्स के करस्पॉन्डिंग एच एक्स बाई के, तो उसको ये इंटीग्रेट करोगे ना तो बेसिकली वो वही आता है 2 times ऑफ एन यू एट एक्स इजिकल टू एल। ये सब आता है ना इसे कंसिक्वेंस के कारण, आप इसको अगर यूज कर रहे हो आपको सब कुछ पता ही है, देखो सी का फंक्शन पता ही है, नसल्ट नंबर कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ अभी शॉर्ट में। इसके लिए आपको ना कुछ ना कोरिलेशंस पता होना चाहिए, मैं आपको भी ना कोरिलेशंस का भी एक चार्ट बनाऊंगा कंप्लीट यहाँ पे, जिससे आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कोरिलेशंस क्या होते हैं, एम्पेरिकल किस तरीके से कोरिलेशंस हैं आपके कन्वेक्शन में।